शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से वो तो दीदू को तलाक देने के लिए भी मजबूर कर रही है ताकि ये घर छोड़कर चली जाए। और दीदू आप कैसे मान सकती हैं? तुम्हें ना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने बेटी दी है उन्हें, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में जो आएगा वो करेंगे। अब हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं पापा, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। श्रद्धा बेटा, इस मामले में हमारा उनसे सवाल करने का पूरा हक है। तुम हमारी बेटी हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। पर दीदू, अगर आप नहीं पूछ सकती ना, तो हम परिवार उनसे सवाल करेंगे और उन्हें जवाब देना होगा। आज हमने पूरे परिवार के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया है और आज ही हमें भूख नहीं। आप लोग खा लीजिए, मैं कमरे में जा रहा हूं। अनूप जी, मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके यहां पर दावत रखी है आपने। सक्षम जी, मैं किस मुंह से माफी मांगू आपसे? घर के बड़े होते हुए भी आपने अपनी बहू को घर छोड़कर कैसे जाने दिया? यशवी जी, अगर मुझे पता होता कि श्रद्धा ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है तो मैं उसे फौरन रोक लेता। अच्छा, इसीलिए आप इनके हाथों का बना हुआ खाना खाने जा रहे थे? अरे घर में मेहमान आए हैं, अरे इनके लिए तनिक चाय नाश्ता तो देखो। जा। जी अम्मा। शादी जबरदस्ती हुई थी मेरी बेटी की, लेकिन उसने अपने सारे फर्ज और अपने पति के लिए उसका प्यार वो जबरदस्ती नहीं निभाया। उसके बाद भी आपने मेरी बेटी के साथ ये सब किया? एहसान फरामोशी तो कोई इनसे सीखे मम्मी। कीर्ति, तुम क्या बोल रही हो? जैसे अपनी सगी बहन पे तुम बड़ा फूल बरसाती थी। देखिए, 100 बात की एक बात, अभय गया है श्रद्धा को मनाने, फिर सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब, श्रद्धा के साथ हुई बेइज्जती में बदल तो नहीं सकता, लेकिन उसके साथ मैं कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। सक्षम जी, थोड़ा तो भरोसा कर लीजिए अपने दामाद पर, अभय सब कुछ ठीक कर देगा। तनुजा भाभी कितनी भी कोशिश कर ले, मगर वो अभय को जबरदस्ती पायल के साथ मंडप में बिठा नहीं सकती। ए लीजिए, आ गए पकौड़े। आप लोग हमारी बिटिया के हाथ के पकौड़े खाएंगे ना, वो भी इसकी खास चटनी के साथ, सब का मिजाज बदल जाएगा। अरे बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अरे जा बिटिया, जा खिला सबको। कीर्ति, जरा मिर्ची के पकौड़े के साथ चटनी तो चखना, ज्यादा तीखी तो नहीं है, बताना थोड़ा।
चटनी बहुत तीखी थी। श्रद्धा, श्रद्धा दरवाजा खोलो प्लीज। श्रद्धा, श्रद्धा दरवाजा खोलो। मुझे आपसे मिलना ही नहीं है अभय। अब प्लीज चले जाइए यहाँ से। यार, मम्मी के पागलपन में तुम उनका साथ कैसे दे सकती हो? तुम भूल जाओ सब कुछ यार। मैं मम्मी को समझाऊंगा, मैं बात करूंगा उनसे। तुम चलो ना मेरे साथ घर श्रद्धा। मुझे आपसे मिलना ही नहीं है अभय। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? श्रद्धा, तुम तो अपनों के लिए दुनिया वालों से लड़ लेती हो, हारती हो, कीर्ति हो, परिवार का साथ तुम कभी नहीं छोड़ती हो। तुम मेरा साथ कैसे छोड़ सकती हो श्रद्धा? बोलो श्रद्धा। श्रद्धा, मम्मी की जिद हमारे रिश्ते तो ऊपर हो गई क्या? श्रद्धा यार, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम मेरे साथ सही नहीं कर रही हो। तुम्हें लगता है तुम सही कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? हम साथ ही हैं ना, हमने हर फैसला एक साथ लिया है। तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया। तुमने कभी सोचा भी है कि मैं तुम्हारे बिना जी भी पाऊंगा या नहीं? श्रद्धा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। श्रद्धा प्लीज, श्रद्धा दरवाजा खोलो और चलो मेरे साथ। श्रद्धा, मैं सच में मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता हूं तुम्हारे बिना। श्रद्धा अभय की जिंदगी और इस घर की चौखट से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाओगी, और चाहे अभय कितना भी गिड़गिड़ाए, हम वापस लौट के नहीं आओगी। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम दरवाजा खोलोगी या नहीं? श्रद्धा, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, तुम दरवाजा खोलोगी या नहीं? ठीक है, अगर तुमने हमारे लिए एक फैसला लिया ना, तो अब एक फैसला मैं लूंगा। तुम सबने मेरी जिद देखी नहीं है अभी तक। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस जिंदगी में अपने समझियों के सामने हमारी नाक कटेगी आपकी वजह से। तनुजा जी, भैया आप शांत हो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए अभय क्या है ना, श्रद्धा को मनाने के लिए वो मान जाएगी और हम यशवी जी और सक्षम जी को मना लेंगे। भैया जब अभय को इस चुड़ैल से शादी करनी ही नहीं है तो बात वही खत्म हो गई ना। क्या कर रहे हैं वरुण? ना दिमाग खराब हो गया क्या? क्या नाटक है ये? नाटक नाटक नहीं है भाई,
जश्न का माहौल। वाह, बीवी घर छोड़कर चली गई है और तुम्हें जश्न मनाना है। मम्मी मम्मी भी तो यही चाहती थी। अभय, पगला गए हो क्या तुम? पगलाएंगे काहे बुआ जी, हम तो खुशियां बांट रहे हैं। हम तो खुशी बांट रहे हैं, हम शादी का जश्न मनाएंगे, वो भी कल पायल के साथ। शादी करते हैं, मैं भी कर लूं। इसने क्या है, दे दूंगा तलाक श्रद्धा को। कैसे दे दोगे हम? कोर्ट कचहरी के तुम्हारी मर्जी से चलती है। अरे भिजवा देगा जेल। बदतमीज़! तो या नहीं का लिहाज भी भूल गए हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ये बकवास करने की? भाई साहब, आज तो थप्पड़ मार ही दीजिए। वैसे भी मां और बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चाचू, ये अभी नशे में है, इसलिए कुछ भी बोल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं उसे। वरुण, इसे फौरन मेरी नजरों के सामने से ले जा, वरना मैं ही इसे मार दूंगा। जी चलो भैया। कोई दारू लीजिए सर। कोई बात नहीं, चल। ओके। नहीं, और तनुजा जी, आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे काहे भाई, अभय को शादी से तकलीफ नहीं है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये शादी तो होके रहेगी। हाँ, बस ऐसे ही टिके रहिए सासू जी। अब हम भी देखते हैं कि इस शादी को कोई कैसे रोकता है। कल शाम को हमारी शादी की शहनाई बच के रहेगी। आज शाम को अभय और पहल की शादी है। श्रद्धा, अब हम तुम्हें क्या बताएं? पता नहीं अभय क्यों बौखला रहा है। क्या मम्मी, आराम से। क्या कहा आपने? हाँ भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारी बेटी के साथ? और आपने तो हमें विश्वास दिलाया था ना रितु जी, कि अभय श्रद्धा के साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगा। तो फिर अब ये सब क्या हो रहा है? अश्मी जी, अब ये रितु क्या बोले? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। विश्वास हमारा भी तो टूटा है ना। वो मूर्ख कुछ भी बोले, हम उसे ये मूर्खता करने ही नहीं देंगे। हम ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और चाची जी की जिद मानकर तुम जो मम्मी के साथ कर रही हो वो सही है दीदू? वो भी किसके लिए? उन डकैतों के लिए? तुम्हें पता भी है श्रद्धा,
तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों ने क्या क्या किया? अरे उनके पर फड़फड़ाने लगे हैं। एक नंबर के चोर है वो लोग। हमारे हीरो का हार तुमने चोरी किया है ना, और हमारी माँ के सोने के कंगन भी। अरे आप लोगों के पास सबूत क्या है जो आप लोग इतना बेहुदा इल्जाम लगा रही हैं हमारी सहेली पे? अभय जी और हम शादी करना चाहते हैं, इसीलिए हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इन घड़ियाली आंसुओं को ना हम अच्छे से जानते हैं पायल। कीर्ति हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। तनुजा भाभी अब कीर्ति पे क्यों चिल्ला रही है? अरे आप इन लोगों को जानती है कितना है जो इतना अंधा विश्वास कर रही है? एक नंबर के चोर है ये सब। बस और आपको अगर इतना ही शक है तो जाइए ना, हमारे सामान का तलाश की खुद ही ले लीजिए। हाँ तो कर लेंगे। तो कुछ मिला फिर? नहीं दीदू, वो लोग बहुत चालाक है। इसका मतलब ये लोग मम्मी जी के विश्वास का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब गहने इन्होंने ही चोरी किए तो फिर ये गहने उनके पास मिले क्यों नहीं? मिलेंगे कैसे, हम पहले ही सब गहना उठा के मनोहर को दे दिए थे अपने पास छुपाने के लिए। मनोहर बेटा लेकिन पायल तुम एकदम ही पगलेट हो। अरे जब सब कुछ शादी के बाद तुम्हारा ही होने वाला था तो काहे चुराई? मां देखो तो सही कितने सुंदर गहने हैं। अगर ये हमारे ही हैं तो लेने में देरी काहे करे? हमारा मन तो सब कुछ उठाने का था। क्या खूबसूरत गहने हैं सारे। अगर सारे के सारे गहने हम अपने ऊपर चढ़ा ले तो हम तो रानी लग सकते हैं। अरे हमरी रानी, अरे तुम्हारी किस्मत में तो इस छोटे मोटे गहनों से भी बड़ी चमक है, समझी? मनोहर बेटा ये गहना को अच्छा सा अच्छा दाम में बेच दो और जो पैसा आए ना हमारे बैंक में डाल दो। जो कर्जदार सब है सबका मुंह पे मारो और इस घर से धीरे धीरे और पैसा निकालेंगे और अपना राज बनाएंगे। हे भगवान, ये तो हमारा घर लूटने आए हैं। जल्द से जल्द इनकी सच्चाई तनुजा के सामने लानी होगी। श्रद्धा कुछ भी करके हमें उनकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी, ये बहुत ही जरूरी है और हम ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाएंगे। चाची जी और अभय दोनों इनके लिए अंधे हो गए। ये शादी नहीं हो सकती। वही ना दीदू, और चाची जी की जिद मानकर अब घर छोड़कर यहाँ आ गई क्यों? क्योंकि कीर्ति मैं मम्मी जी को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती हूँ। तक तुम घर वापस नहीं जाओगी? हाँ मम्मी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं इस शादी को रोक नहीं सकती। इन लोगों ने मेरा परिवार तोड़ा है, अब मैं इन्हें तोड़ूंगी। श्रद्धा, इस चोर सिपाही के खेल में हम तुम्हारे साथ हैं। Thank you.
कर रहा भाई? तू क्या कर रहा है? तुझे याद भी है कल तूने क्या किया? तब याद है मुझे, वो जो बोला था सच्ची बोला था। इसका मतलब तू श्रद्धा जैसी बीवी को छोड़ के पायल से शादी करेगा? और उसका क्या, जो वो मुझे छोड़ के गई, गया था ना उसे लेने, क्यों नहीं आई मेरे साथ? देख अबे, जिद मत कर। जिद वो कर रही है और उससे ज्यादा जिद भी होंगी। चल पीछे हट, मैं तैयार होने लगा हूँ शादी के लिए। शादी की इतनी तैयारियां करनी है और आप लोगों को परवाह ही नहीं है? बाद में बात करते। आरती, अपनी माँ को बोल दो शादी इन्हें करवानी है और इनके बेटे को करनी है, खुद ही तैयारी कर लें, मुझे माफ करें। अरे मम्मी, मेरी सिर्फ एक ही भाभी और वो है श्रद्धा भाभी। आज की ताजा खबर, अगर हमसे कुछ बुलवाएंगे तो आज तानों के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। श्रद्धा जैसी इतनी अच्छी बहू के साथ हम ऐसा करके अपने सर पे पाप नहीं ले सकते। ठीक, आप लोगों को नहीं आना है ना तो मत आइए, पर ये शादी तो हम करवा के ही रहेंगे। हाँ भैया, आप लक्ष्मी देवी को जानते हैं क्या? उनके दो बच्चे भी हैं, पायल और मनोहर नाम है उनका। कितना कर्जा वापस लेना है आपको उनसे? अब कोई भी उनके बारे में पूछता है तो इन्हीं के लिए पूछता है, इनके ऊपर तो दस्तों चोरी चकारी के केस दर्ज हैं। आप जानते हैं इनके घर में इनके अलावा और कौन कौन लोग हैं? पता नहीं। आप तो एकदम डिटेक्टिव बाबू निकली श्रद्धा जी, लेकिन कहा है ना कि आप इतनी अच्छी डिटेक्टिव नहीं बन पाई। अब देखिए ना, यहाँ आप फंस गई और वहाँ हमारी बहन पायलिया तुहार पति उर्फ हमारे जीजा जी को हमेशा के लिए फंसा देगी। इस शादी तो भाई होकर रहेगी। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।